स्टेशन मैं हूँ आपके साथ मिली चौबे। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि अपकमिंग मूवी जो 83 है और 24 तारीख को रिलीज़ होने वाली है और आप 83 देखने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, क्या है वो तोहफा, फर्स्ट रिपोर्ट में बताते हैं। एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 को दिल्ली सरकार ने राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इस बात की जानकारी हाल ही में फिल्म मेकर कबीर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने 83 को दिल्ली में टैक्स फ्री करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद किया है। फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। कबीर खान के निर्देशक में बनी, यानी कबीर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आपको दीपिका पादुकोण और पंकज त्रिपाठी समेत कई कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की जीत पर आधारित है। 1983 में कपिल देव ने देश को पहली बार वर्ल्ड कप का तोहफा दिया था। रणवीर सिंह फिल्म में कपिल देव की भूमिका निभाते आपको नजर आने वाले हैं। तो 1983 में पहली बार जब कपिल देव ने भारत को उसका पहला वर्ल्ड कप जितवाया था, उसी मूवी पर आधारित है ये फिल्म 83। इसमें आपको रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे और दीपिका पादुकोण कपिल देव की वाइफ की भूमिका में नजर आएंगी, और साथ साथ आपको द मोस्ट फेमस कॉमेडियन और द बहुत शानदार एक्टर पंकज त्रिपाठी भी आपको इस मूवी में नजर आने वाले हैं, और अन्य बहुत सारे कई कलाकार अहम भूमिका में इस मूवी में नजर आने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कबीर खान ने, और कबीर खान ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार ने इस मूवी के रिलीज की जो टिकट होती है मूवी थिएटर में, जो इसकी टिकट होगी, इसको टैक्स फ्री कर दिया है, यानी कि बिना टैक्स दिए हुए अब आप इस मूवी को देख सकते हैं। इस बात की जानकारी कबीर खान ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए दी है, और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद भी कहा है कि 83 के टिकट्स को टैक्स फ्री करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि और कौन कौन से राज्य इस मूवी के टिकट को टैक्स फ्री करते हैं, यानी इस मूवी को देखने जाने वाले लोगों के लिए इस मूवी के टिकट्स को टैक्स फ्री करते हैं। ये मूवी कोई आम मूवी नहीं है, ये मूवी वो मूवी है जो पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था। इस मूवी में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कपिल देव ने मेहनत की थी, पूरी टीम, इंडियन टीम ने 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए मेहनत की थी, और फिर पहली बार इंडिया को उसका वर्ल्ड कप मिला था। और आपको ये भी बता दें कि दुबई में बुर्ज खलीफा पर इस मूवी का ट्रेलर दिखाया गया था, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मूवी का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।